फ्लेक्स फूड देखिए, रेंज बाउंड मूवमेंट है, इसमें भी कंसोलिडेशन का फेज है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम जुलाई 2021. जो रेंज है दैट इज 80 ऑन द डाउन साइड, अपसाइड में 115-130, ब्रॉडली 130 तक ये ऊपर जा सकता है. और एक चीज है कि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज में आपको मिल रहा है. अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ले सकते हैं. 80 का स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए. और अपसाइड में जिस तरह का फॉर्मेशन है, पहला टारगेट तो 115 का, दूसरा टारगेट 130 का आप इसमें रख के चल सकते हैं. तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है. 96.75 का करंट मार्केट प्राइस है, 80 का अगर स्टॉप लॉस देंगे तो 16-17 पॉइंट्स का आपका रिस्क है. अपसाइड में आपको इजीली 30 पॉइंट्स तक मिल सकता है. तो फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें इसको कंसिडर कर सकते हैं. स्टॉप लॉस 80 रहेगा, दो टारगेट 115 ऑन द अपसाइड और 130. ठीक है, लेकिन सौम्यदीप सर, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूं तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर, लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ये पता नहीं ये कंपनी करता क्या है, तो वो तो सजेस्ट करना फिर आप फंडामेंटल किसी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि ये एक कंपनी का प्रोफाइल क्या है. हालांकि फंडामेंटल्स मुझे उस तरह से नहीं आते, फिर भी एक ब्रॉड आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि क्या करता है. तो इसलिए कोई फंडामेंटल एनालिस्ट से आप इसमें एक बार एडवाइस ले लीजिए. जी,